कोनिचीवा बच्चो। ओ, आपको याद आ गया क्या है हमारा पाठ? यस, उगते हुए सूरज का देश जापान। आपने देखा वीडियो, कितना इंटरेस्टिंग वीडियो था, है ना? हमने कितनी सारी चीज़ें जानी जापान के बारे में, है ना? क्यों इसको दिया गया है नाम ऐसा कि उगते हुए सूरज का देश? क्योंकि सबसे पहले सूरज का उदय होता है जापान में, है ना? तो बच्चों, आज हम लोग उसी का ही रीडिंग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है उगते हुए सूरज का देश जापान, एंड दिस विल बी योर पार्ट 3। ओके, तो बच्चों आइए मिलके करते हैं हम लोग उगते हुए सूरज का देश, जो कि डायरी के फॉर्म में प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे इसका इंट्रो पार्ट देखने। ओके, यस, डायरी लेखन हिंदी साहित्य की एक विद्या है, एंड यू हैव टू अंडरलाइन द न्यू वर्ड्स, क्लियर? यस, ओके, यस, डायरी लेखन हिंदी साहित्य की एक विद्या है। यह विद्या तथ्यों की जानकारी का एक उत्तम साधन भी मानी जाती है। यहाँ एक आपका हम्र उम्र लड़का, जिसका नाम शशांक है, की डायरी के 4 पुष्ट दिए जा रहे हैं। इनके माध्यम से आपको जापान देश से संबंधित कुछ तथ्यों की भी जानकारी मिलेगी। डायरी लेखन हिंदी साहित्य की एक प्रकार की विद्या है, और ये पाठ डायरी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर भी आप ही की तरह एक हमर उम्र आपका, मतलब कि आपकी एज का लड़का है, जिसका नाम शशांक है, और उसने अपनी डायरी के 4 पुष्ट यहाँ पर दिए हैं। उनके माध्यम से आपको जापान की तरह तरह की जानकारी मिलेगी। ओके, नाउ लेट्स रीड द चैप्टर। ओके, यस, प्रिय डायरी, सबसे पहले ये लिखेंगे आप डायरी नोट में, आप सबसे पहले क्या लिखते हैं, दैट वी विल लर्न आफ्टरवर्ड्स। दिनांक 16 मार्च और ईयर, जो भी वर्ष है आप वो लिखेंगे। उसके बाद प्रिय और उसका नाम लिखेंगे। इसमें लिखा हुआ है प्रिय डायरी, आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अंडरलाइन कीजिए बेटा न्यू वर्ड्स पे, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरे प्रत्येक जन्मदिन पर मेरे पिताजी कोई विशेष उपहार देते हैं। जैसे आपको अपने जन्मदिन पर बहुत सारी गिफ्ट मिलती है आपके दोस्तों से, आपके पेरेंट्स से, तो शशांक भी कह रहा है अपनी डायरी नोट में कि मुझे हर एक जन्मदिन पर एक विशेष, डिफरेंट, यूनिक उपहार मिलता है। तो आप इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन, उपहार देते हैं जो सबसे अनोखा तथा ज्ञानवर्धक होता है, यानी कि फुल ऑफ नॉलेज, उसमें ज्ञान भरा हुआ होता है। ऐसा अनोखा उपहार मेरे पिताजी हमेशा मुझे देते हैं, आज भी मैं उसी उपहार का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। बेसब्री से मतलब वेरी एक्साइटेड, बहुत उमंग के साथ मैं इंतज़ार कर रहा था। अंडरलाइन कीजिए बच्चों, क्लियर? नाउ वी विल रिपीट दिस 5 लाइन्स वंस अगेन, ओके, ताकि आपको सही उच्चारण का पता चले, एंड ऑल्सो यू विल नोट डाउन द स्पेलिंग्स ऑल्सो। आज मेरा जन्मदिन है,
इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरे प्रत्येक यानी कि हर एक जन्मदिन पर मेरे पिताजी कोई विशेष उपहार देते हैं जो सबसे अनोखा तथा ज्ञानवर्धक होता है। ज्ञानवर्धक ज्ञान से ओतपोत फुल ऑफ नॉलेज, उसमें ज्ञान से भरा हुआ कुछ ऐसा उपहार देते हैं जिससे हम लोग ज्ञान एकत्रित यानी कि पा सकें बटोर सकें। आज भी मैं उसी उपहार का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, तभी मेरे माता पिता कमरे में आए और जन्मदिन की शुभकामना देते हुए मेरे सामने एक लिफाफा रख दिया। मेरे माता पिता कमरे में आए और जन्मदिन की शुभकामना ब्लेसिंग्स देते हुए मेरे सामने एक लिफाफा एनवलप रख दिया। मैं उस लिफाफे को बड़ी उत्सुकता से खोलने लगा कि आखिर इस लिफाफे में क्या होगा, आखिर इस लिफाफे में क्या होगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों हम लोग इधर ही वाइंड अप करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू इन आ नेक्स्ट क्लास। ओके, तो आज का टॉपिक क्या था? यस, जापान। आपने रीडिंग भी किया है ना, वेरी नाइस। एंड यू विल बी राइटिंग ऑल द न्यू वर्ड्स इन योर नोटबुक। और कहीं पर दिक्कत हो सो यू कैन कॉल योर अंजलि मैम। ठीक है, सो इट वॉज ऑल फॉर द डे फ्रॉम चैप्टर 7। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी लर्निंग।